मैं हिरन वैश्य अध्यापिका हिंदी विभाग डूमडूमा महाविद्यालय आज अपने विद्यार्थियों को सूरदास के पद पर पढ़ाने जा रही हूँ। डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के अंतर्गत CBCS का जो पाठ्यक्रम बना है उसमें BA, BSc और BCom के विद्यार्थियों जिन्होंने ऑनर्स लिया है उनके लिए हिंदी MIL का पाठ्यक्रम है। ये उनके लिए पाठ्य पुस्तक है काइब सुषमा, इसके अंतर्गत सूरदास के दो पद दिए गए हैं, उसी को आज मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ अपने विद्यार्थियों। तो आओ विद्यार्थियों, तो ये है सूरदास जी। इनका जन्म हुआ था 1478 अंग्रेजी में और मृत्यु हुई थी 1583 अंग्रेजी में। उनकी रचनाएं हैं सुरसागर, साहित्य लहरी और सुरसरावली, लेकिन इन तीनों में से प्रमुख और प्रामाणिक है सुरसागर, यानी यह प्रामाणिक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन साहित्य लहरी और सुरसरावली इन दोनों के संबंध में विद्वानों में मतभेद है, अर्थात ये प्रामाणिक है कि नहीं इस पर विद्वानों में मतभेद दिखाई देता है। तो सूरदास के पद को पढ़ने से पहले, सूरदास से की जानकारी प्राप्त करने से पहले हिंदी साहित्य के काल विभाजन पर हमें थोड़ी दृष्टि डालनी होगी। प्रवृत्तियों के आधार पर आलोचकों ने हिंदी साहित्य को चार भागों में बांटा है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल 1050 से लेकर, भक्तिकाल 1375 से लेकर 1700 तक चला था, रीतिकाल 1700 से लेकर 1900 तक चला था, जबकि आधुनिक काल 1900 से अब तक चल रहा है। तो हमारा जो विषय है आज का सूरदास का पद, तो हमारे कवि जो है सूरदास भक्ति काल से संबंध रखता है, वे इसी काल के इसी अवधि के अंतर्गत आते हैं। तो भक्ति काल में प्रमुख रूप से दो शाखाएं प्रचलित थी, एक तो है सगुण भक्ति शाखा और दूसरी है निर्गुण भक्ति शाखा। कुछ भक्त भगवान के सगुण साकार रूप की उपासना करते थे, जबकि कुछ भक्त निर्गुण निराकार रूप की उपासना करते थे। जो लोग सगुण भगवान के उपासक थे वही सगुण भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं, कुछ भक्त राम को अपने आराध्य मानते थे, जबकि कुछ भक्त कृष्ण को अपने आराध्य मानते थे। और इसी आधार पर दो शाखाएं बन गई, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास जी थे और कृष्ण भक्ति शाखा के हैं सूरदास जी। हम आज इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो निर्गुण भक्ति के अंतर्गत भी ऐसे ही ज्ञानश्रेयी सखा और प्रेमश्रेयी सखा आती है। ज्ञानश्रेयी सखा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे कबीरदास जी, जबकि प्रेमश्रेयी सखा के सर्वश्रेष्ठ कवि है जायसी। तो सूरदास के बारे में थोड़ी सी जानकारी लें। सूरदास जी थे भक्तिकालीन कवि, हमें अब तक पता चला है वे थे भक्तिकालीन कवि। वे थे कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि, कृष्ण भक्ति शाखा के मूर्धन्य कवि थे, सर्वश्रेष्ठ कवि थे। वे थे दृष्टिहीन कवि, दृष्टिहीन मतलब जो आंखों से नहीं थे। विद्वानों का कहना है, कुछ विद्वानों का कहना है कि वे जन्म से दृष्टिहीन थे, लेकिन कुछ विद्वान ये नहीं मानते। उनका कहना है कि जो व्यक्ति जन्म से दृष्टिहीन है वे इस तरह से की रचनाएं कर ही नहीं सकते। श्री कृष्ण की शिशुलीला का इतना जीता जागता वर्णन कोई भी दृष्टिहीन कवि नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इस पर भी मतभेद है, कुछ कहते हैं कि वे दृष्टिहीन थे, कुछ कहते हैं कि दृष्टिहीन कवि नहीं थे। फिर आओ श्री कृष्ण के वात्सल्य का अत्यंत ही सजीव वर्णन क्या है। सूरदास जी ने अपनी रचनाओं में श्री कृष्ण के वात्सल्य का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, जीता जागता चित्रण प्रस्तुत किया है, अर्थात शिशुलीला वात्सल्य वर्णन जो है शिशुलीला, श्री कृष्ण की शिशुलीला का वर्णन हुआ है। फिर देखो उपयोगी विरह दशा का बहुत ही जीता जागता चित्रण किया है उन्होंने, और क्या क्या है उन्होंने वात्सल्य का वर्णन तो क्या ही है, साथ ही साथ गोपियों की विरह दशा यानी वियोग श्रृंगार अर्थात विप्रलाप श्रृंगार का भी उन्होंने बहुत ही सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। हमें जो दो पद पढ़ने हैं, पहला है वात्सल्य विषयक
और दूसरा है गोपियों की विरह दशा विषय। तो आओ पाठ्यक्रम के मुताबिक पद नंबर 2 है। किलकत कान्हा घुतरुवनि आवत मणिमय कानक नंदक आंगन बिंब पकड़ि बे धावत कबहु निरखि हरि आपु चाह को करसो पकड़त चाहत किलकी हसत राजत हे दतिया पुनि पुनि टिहिया बकाहत कनक भूमि पर करम गछाया यह उपमा इक राजती करी करी प्रतिपद प्रतिबनी बहुशुधा कमल बैठकी साधती बाल सासुत निरखी चचोदा पुनि पुनि नंद बुलावती हसरा तरले धाकी सूर के प्रभु को दूध पिलावती। यह है श्री कृष्ण के वात्सल्य विषय पर। इसमें सूरदास जी ने शिशु कृष्ण के लीला का अत्यंत ही सजीव वर्णन प्रस्तुत किया है। तो भावार्थ किस तरह का होगा उस पद का। शिशु कृष्ण किलकारी करता हुआ घुटनों के बल पर चलने लगता है। सोने की मणियों से बने हुए नंद के आंगन में वह अपनी ही छाया को पकड़ना चाहता है। किलकारी करते हुए हंसने पर उनके छोटे छोटे दांत प्रतिबिंबित होते हैं। वह उसे बार बार देखता है। उसके छोटे छोटे हाथों और पैरों की छाया कमल की बैठकी सी शोभा देती है। अपने बच्चे की इस कार्य को देखकर यशोदा खुश हो जाती है। इसे दिखाने के लिए वो बार बार नंद को भी बुलाती है। इस तरह उसका मातृहृदय संवेदनशील बन जाने से वह अपने पुत्र को प्यार पूर्वक दूध पिलाने लगती है। शिशु कृष्णा की बाल लीला का वर्णन है, साथ ही यहाँ विशुद्धा की विशेष रूप से हम कह सकते हैं यह पद वात्सल्य विषय है, जिसमें कवि ने कृष्ण की शिशु लीला का वर्णन किया है। तो कनक भूमि में रूप अलंकार है। कनक भूमि अर्थात कनक रूपी भूमि, जहां उपमेय उपमान का रूप धारण कर लेता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। तो कनक रूपी भूमि होने से यहाँ पर रूपक अलंकार हुआ। तो वात्सल्य वर्णन शांत रस के अंतर्गत आता है। तुम लोगों को जानकारी है कि रस 9 प्रकार के हैं। वात्सल्य नामक दरअसल कोई रस नहीं है, वह शांत रस के अंतर्गत ही आता है। तो इसके बाद हम आएंगे पद संख्या 4 पर। बिन भूपल बैनी भई कुंजे तब ये लता लट्टी अति शीतल अब भी विषम जल की पुंजे वृथा बहती यमुना खग बोलत वृथा कमल फूल की अलि गुंजे पावन पानी घनसार सजीवन दधी सुत किरण भालो वही गुंजे ये उधो कहियो मन मुसो विरह कदन करी मारत लुंजे सूरदास प्रभु को मगजवत अभिया वही वरंज गुंजे। यह पद उधव गोपी संवाद से संबंध रखता है। कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा में। तो उसके दर से उसे वृंदावन में रख दिया गया था, जहाँ वह पला बढ़ा। लेकिन कांस को मारने के लिए ही उनका जन्म हुआ था ना, उसे मथुरा तक चले जाना पड़ा। तो उनके चले जाने से वृंदावन में गोपियों की जो स्थिति हुई थी वही आता है उद्धव गोपी संवाद के अंतर्गत, विप्रलम्ब श्रृंगार के अंतर्गत उनकी जो रचनाएं हैं सूरदास की वही आता है। तो कृष्ण ने उद्धव को भेज दिया, अपने सखा उद्धव को भेजा कि उद्धव तुम जाओ गोपियों से समझाओ कि वो हमें भूल जाए, अर्थात भगवान के साकार रूप को भूल जाए, ये निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करें। तो इस पर गोपियां आगोकुला हो गई। गोपियां अनेक तर्क देकर उद्धव के सामने अनेक बातें करने लगी। वो गोपियों का कहना है कि हे उद्धव तुम क्या हो? भ्रमण जैसे हो। तुम भ्रमण जैसे हो, खुद कृष्ण के पास रहते हो और हमें कृष्ण के सानिध्य से दूर रहने के लिए बता रहे हो। उनके तर्क से उद्धव को क्या पानी पानी हो जाना पड़ा था।
इस पद में गोपियां उधर से कह रही है, बिन गोपाल बैठनी भई कुंजे, हे उद्धव अब हमारी स्थिति यह है कि गोपाल के बिना यहाँ के संपूर्ण वन जंगल वृंदावन सभी जो है क्या लगा है, वर्ण जैसा लगने लगा है, शत्रु जैसा लगने लगा है। गोपाल के बिना वृंदावन की सभी चीजें शत्रु जैसा लगने लगा है। गोपाल के यहाँ रहने से जो लताएं हमें शीतलता प्रदान करती थी अब वे ज्वाला देने लगी है। यमुना का बहना, पक्षियों का बोलना, कमलों का खिलना, ब्राह्मणों का गुंजन, अब ये सब बेकार सा हो गया है। हवा, पानी, चंदन, यहाँ तक कि चंद्रमा भी अब सूर्य के समान उत्तप्त देने लगी है। ये उद्धव जाकर माधव से कहो कि यह वीरा हमें मारने पर तुला हुआ है। सूरदास का कहना है कि प्रभु श्री कृष्ण आएंगे, किसी ऐसा से प्रभु श्री कृष्ण आएंगे इसी आशा से रास्ता देखते देखते हमारी आंखों के रंग फीके बन गए हैं। तो इस पद में गोपियों की वीरा दशा का वर्णन हुआ है। तो इस पद में हम विशेष रूप से कह सकते हैं, इस पद का प्रसंग है उद्धव गोपी संवाद। उद्धव के साथ गोपियों का जो संवाद हुआ था उसी से सब प्रसंग, उसी के प्रसंग में है यह पद। इस पद में विप्रल यानी वियोग सिंगार का वर्णन हुआ है। गोपियों की वाक विदग्धता दर्शन गया है। वाक विदग्धता यानी वाक करने में हुए विदग्ध थे, वाक पटु थी गोपियां, वाक चातुरी की दृष्टि से वे बहुत ही विदग्धा थी। इस पद की भाषा ब्रज है। तो हमने देखा यहाँ पर जो दो पद है, एक में है वात्सल्य वर्णन, दूसरे में है क्या है, विप्रल सिंगार का वर्णन। तो दोनों पदों की भाषा यहाँ पर ब्रज है, दूसरे पद में गोपियों की बागवीरता दर्शनीय है। और इसी के साथ यह जो है